इस मूवी में हम देखते हैं एक लड़की को जो एक साइको 12 साल के लड़के के साथ उसके घर में ट्रैप हो जाती है। आप सोच भी नहीं सकते वो 12 साल का लड़का उस लड़की के साथ क्या क्या करता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम एक क्यूट सी लड़की एसली को देखते हैं जो किसी के साथ फोन पर बात कर रही थी कि वो आज रात किसी के घर बेबी सिटिंग करने के लिए जाने वाली है। वो एक रिच फैमिली के घर आने वाली है जिस घर में एक 12 साल का लड़का है जिसका नाम ल्यूक है। आज रात उसके पेरेंट्स बाहर पार्टी में जाने वाले हैं। ल्यूक अपने दोस्त गैरी के साथ पॉर्न वीडियोस देख रहा था और ये देखकर उनके मन में भी ये सब करने की इच्छाएं जाग रही थी क्योंकि उनकी उम्र ही ऐसी थी। यही टाइम पर तो बच्चे बिगड़ना स्टार्ट करते हैं और पेरेंट्स की लापरवाही, जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं। इसके बाद एशली ल्यूक के घर आती है। एशली ने पहले भी ल्यूक की बेबीसिटिंग की है और वो अपने काम में काफी अच्छी है। पार्टी में जाते वक्त ल्यूक की मॉम एशली से कहती है कि ल्यूक सोते टाइम चलता है, इसीलिए हम दरवाजे के हैंडल पर पेंसिल रख देते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि ल्यूक स्लीप वॉक करता है। इसके बाद वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं, साथ ही गैरेट भी अपने घर चला जाता है। अब घर पर एशली और ल्यूक अकेले थे। जल्द ही क्रिसमस आने वाला था इसीलिए एशली का बॉयफ्रेंड उसे बार बार कॉल कर रहा था। तभी एशली एक स्पाइडर देखती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ ल्यूक आता है। एशली उसे कहती है इसे जल्दी से मार दो, लेकिन ल्यूक उसे नहीं मारता बल्कि ग्लास और पेपर की मदद से उसे उठाकर कहता है इसने कोई गलती नहीं की है और उसे बाहर छोड़ देता है। यहाँ ल्यूक को खुद पर प्राउड फील हो रहा था क्योंकि उसने एक बेचारी लड़की को बचाया है। लेकिन एशली को बार बार फोन पर किसी से बात करता देख ल्यूक को जेलस फील हो रहा था और वो गुस्से से लाल हो जा रहा था। थोड़ी देर में ही हम देखते हैं वो एक वाइन की बोतल लेकर एशली के सामने ही पीने लगता है। एशली उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है तुम पागल हो गए हो क्या। ल्यूक कहता है नहीं, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, अब मैं एक मर्द हूँ तो मैं इसे पी सकता हूँ। एशली गुस्सा होकर उसे बोतल छीन लेती है। इसके बाद ल्यूक मूवी देखने की बात करता है। इसके इरादे भी ठीक नहीं लग रहे थे। मूवी देखते टाइम वो बार बार एशली को टच कर रहा था, फिर वो उसे किस करने लगता है। एशली उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम बहुत छोटे हो और ये सब करना सही नहीं है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद कुछ अजीब घटनाएं होने लगती है। कॉल आने पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं देता। फिर से दोबारा कॉल आता है जहां दूसरी तरफ से कोई डरावनी आवाज में कहता है मैं तुम्हें देख पा रहा हूं। तब एशली गुस्से में देखने जाती है। उसे लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे डराने की कोशिश कर रहा है। वो विंडो के पास जाकर उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। एशली वैसे भी परेशान है क्योंकि जिस लड़के के लिए वो बेबी सिटिंग करने आई है वो नशे में धुत हो चुका है और उसके इरादे भी सही नहीं है। इसके बाद एशली को भी डर लगना स्टार्ट होता है क्योंकि सेंटा क्लॉस का स्टैचू एक जगह से दूसरी जगह पर था और बैकयार्ड का दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। उसे लगता है कोई घर में घुस आया है तो वो पुलिस को कॉल करने जाती है। उसका फोन ल्यूक के पास था। ल्यूक उसकी तरफ फोन फेंकता है मगर सामने रखे एक्वेरियम पर वो फोन गिर जाती है। इसके बाद दरवाजे पर कोई नॉक करता है पर बाहर कोई नहीं दिख रहा था। यहाँ ल्यूक मर्दांगी दिखाते हुए दरवाजा खोल देता है और कहता है तुम जो भी हो हमें डराना बंद करो नहीं तो तुम्हें अपनी हालत पर पछतावा होगा। तभी उसका फ्रेंड गैरेट वहाँ आता है और उसे पकड़ लेता है। अब इन लोगों को लगता है कि तब से गैरेट ही उन्हें डरा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। घर के अंदर किसी की मौजूदगी उन्हें महसूस हो रही थी। वो एक बड़ा सा नाइफ लेकर ऊपर चेक करने जाते हैं लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। एशली पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है पर घर की सारी लाइनें किसी ने काट दी थी। ल्यूक इंटरनेट के थ्रू पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश करता है पर इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं था। वो तीनों एशली की कार लेकर वहाँ से निकलने वाले होते हैं लेकिन किसी ने उसकी कार का टायर भी पंचर कर दिया था। उसके बाद गैरेट ऊपर से एक पत्थर लाता है जिस पर लिखा हुआ था यू लिव यू डाई, यानी जो भी इस घर से बाहर निकलेगा वो मर जाएगा। ये देखकर वो तीनों डर जाते हैं और गैरेट सबसे ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से बाहर भागने लगता है। तभी गोली की आवाज आती है और गैरेट गिर जाता है। ये देखकर एशली और डर जाती है, यानी कोई किलर यहाँ मौजूद है। ये सब देखकर ल्यूक एक बच्चे की तरह रोने लगता है। एशली उसे शांत करती है। ल्यूक उसे बताता है कि उसके डैड ने गन कहाँ रखी है। वो लोग ऊपर जाते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि घर के अंदर कोई छुपा हुआ है। वो छिपते छिपाते ऊपर जाते हैं। तभी एशली के फेस पर एक स्पाइडर गिर जाता है। ल्यूक उसकी हेल्प करता है और उसे एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है।
वो लोग गन लेकर निकल रहे होते हैं, तभी वहाँ एक मास्क पहने आदमी को देखते हैं, जिसके हाथों में गन थी, जिसे देखकर वो दोनों कवर्ड के अंदर छिप जाते हैं। लेकिन एसली सब समझ जाती है ये सब सच नहीं है, वो दोनों लड़के उसे बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि मास्क पहने लड़का और कोई नहीं बल्कि गैरेट था। एसली उसे पहचान लेती है और उन दोनों का फांडा फूट जाता है। असल में ल्यूक एसली को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, ये सब एक प्लान था और काफी डरावना भी था, और इससे किसी की भी जान भी जा सकती थी। ये सब कुछ देखकर एशली का दिमाग घूम जाता है। एशली कहती है वो उसके पेरेंट्स को कॉल करके सब कुछ बता देगी, क्योंकि उनके बेटे की दिमागी हालत सही नहीं है, वो मेंटली इल है। ल्यूक उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है और अपने पेरेंट्स को बताने से मना करता है, पर एशली मानने को तैयार नहीं थी। ल्यूक उस पर चिल्लाता है और उसे थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो एक चेयर से बंधी होती है और उसके मुंह पर टेप लगा हुआ होता है। ये दोनों बेवकूफ बहुत खुश थे और ल्यूक का एटीट्यूड भी बहुत चेंज हो गया था। इसके बाद ल्यूक एसली के साथ मिसबिहेव करता है, उसका पर्स चेक करता है, उसका लिपस्टिक निकालकर उसे लगा देता है, यहाँ तक कि वो अपनी दिल की बात बताता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, तुम्हें देखकर मुझे कुछ अलग फील होता है, तुमने मेरी फीलिंग को हर्ट किया है, तुम मुझे एक छोटा सा बच्चा समझती हो। ल्यूक के हाथों में गन था और वो एसली को धमका रहा था। ल्यूक उसे ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलने के लिए कहता है और कहता है अगर तुम ये गेम जीत जाओ तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, अगर तुम ये गेम हार गई तो ये ड्रिंक पीना होगा, शायद इसमें जहर भी हो सकता है। एसली उससे पूछती है आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तुम मुझे आजाद कर दो और तुमने जो कुछ भी किया है मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वो कहता है नहीं, पहले तुम्हें ये गेम खेलना होगा। एसली के पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि ये लड़का एक साइको की तरह बिहेव कर रहा था। गेम खेलते टाइम वो एसली को टच करता है। गैरेट को ये कुछ ठीक नहीं लगता है, वो कहता है ये सब ठीक नहीं है, इसके लिए हमें जेल भी हो सकती है, और वो वहाँ से जाने की बात करता है। लेकिन ल्यूक उसे मना लेता है और उसे कहता है तुम और इंजॉय करने वाले हो, अब पता नहीं ये लोग एसली के साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई आता है, वो एसली का बॉयफ्रेंड डिकी होता है। उसका यहाँ आना ल्यूक को अच्छा नहीं लगता, वो पहले ही एसली के मुंह पर टेप लगाकर उसे छुपा देता है। ल्यूक रिकी को वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं था, तो ल्यूक को दरवाजा खोलना पड़ता है। अंदर आकर वो एसली को ढूंढने लगता है। एसली भी किसी तरह से आवाज करने की कोशिश करती है और रिकी सुन लेता है, लेकिन एसली तक पहुँचने से पहले ल्यूक उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद ल्यूक डांस करने लगता है, उसे ऐसा करके बहुत मजा आ रहा था। तभी रिकी उठ जाता है और उसके हाथ से बैट छीनकर उसे पनिश करने वाला होता है, लेकिन तभी दूसरा गधा गैरेट वहां आ जाता है। वो रिकी को गन दिखाकर उसे बैट फेंकने को कहता है। बैट फेंकते ही ल्यूक फिर से रिकी पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। रिकी को बेहोश देखकर गैरेट घबरा जाता है, क्योंकि उन लोगों ने अब सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी। वो कहता है वो यहाँ से जाना चाहता है, पर ल्यूक उसे अपने बातों में फिर से फंसा लेता है। इसके बाद जब रिकी को होश आता है तो वो देखता है वो और एशली चेयर से बंधे हुए थे। एशली उसे पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो, तब वो फोन की तरफ इशारा करता है, इसका मतलब था कि ल्यूक ने ही उसे कॉल करके यहाँ बुलाया था। इसके बाद ल्यूक रिकी के सर पर एक पेंट की टिप्पी को रस्सी से बांधकर उसकी तरफ फेंकता है, अगर ये टिप्पा रिकी के सर पर लगा तो रिकी मर जाएगा। गैरेट भी डर जाता है, वो भी नहीं समझ पा रहा था कि ल्यूक ऐसा क्यों कर रहा है। रिकी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, इधर एशली खुद को आजाद करने की कोशिश करती है। इसी दौरान ल्यूक पेंट का डिब्बा रिकी की तरफ फेंक देता है और तभी बहुत बुरी तरीके से रिकी की मौत हो जाती है। यहाँ ल्यूक बहुत खुश हो रहा था, उसे पकड़े जाने का बिल्कुल भी डर नहीं था। इधर एसली खुद को आजाद करके ल्यूक के घर लेकर उसे डराने की कोशिश करती है, मगर ल्यूक यहाँ नॉर्मल बिहेव करता है क्योंकि गन में गोली नहीं थी। तब एसली वहाँ से भागने की कोशिश करती है और गैरेट उसे पकड़ने जाता है। एसली बाहर निकल आती है पर वो फंस जाती है क्योंकि ल्यूक ने घर के चारों तरफ ट्रैप लगाया था। एसली उसके ट्रैप में फंसने के बाद बेहोश हो जाती है, वो उसे फिर से घर के अंदर ले आता है। इतने में ही एसली का एक्स बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है, जाहिर सी बात है उसे भी ल्यूक ने ही कॉल करके बुलाया था। ल्यूक उसे एक सॉरी लेटर लिखवाता है और उससे कहता है उसे एसली ने ऐसा करने के लिए कहा है। फिर ल्यूक बड़ी चालाकी से उसे रस्सी से लटकाकर मार देता है। गैरेट को ये सब देखकर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, वो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो एसली को आजाद करने की कोशिश करता है, तभी ल्यूक वहाँ आ जाता है और उसे ऐसा करता देख
अपने फ्रेंड गैरेट को ही शूट करके मार देता है। इसके बाद वो एशली को भी नाइफ से स्टेप करके मार देता है। फिर वो क्राइम सीन को इस तरह से बनाता है कि ऐसा लगे सारा कांड एशली के बॉयफ्रेंड्स का है, और वो अपने रूम में जाकर एक इनोसेंट बच्ची की तरह सो जाता है। जब ल्यूक के पेरेंट्स घर आते हैं तो ये सब देखकर वो बहुत डर जाते हैं, और वो दौड़कर ल्यूक के रूम में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि ल्यूक तो सोया है, और ल्यूक ऐसा दिखाता है कि वो कुछ नहीं जानता। एंड सीन में पुलिस बताती है कि उनमें से एक जिंदा है और वो एशली थी, जो ल्यूक को मिडल फिंगर दिखाती है। इसके बाद ल्यूक अपनी मॉम से कहता है, मुझे एशली के लिए बहुत दुख हो रहा है, मैं हॉस्पिटल उससे मिलने जाऊंगा। असल में वो वहाँ इसलिए जाना चाहता था ताकि वो वहाँ एशली को मार सके, नहीं तो उसकी सारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम है बेटर वॉच आउट। ये मूवी साल 2016 में आई थी। इस मूवी को IMDb पर रेट मिली है 6.5 आउट ऑफ 10।